आप लोगों को 4 साइज पिलो को अगर काटिंग स्टिचिंग करके दिखाऊंगी और ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप अभी भी चैनल में न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं 2 मीटर फेब्रिक लिया है, एक पिलो में 2 मीटर नहीं चाहिए, हम यहाँ पर 2 पिलो को ऊपर काटिंग करूँगी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही पिलो को ऊपर काटिंग करके दिखाऊंगी और दूसरा पिलो को ऊपर हम ठीक सेम तरीके से काटिंग करूँगी यहाँ से। तो यहाँ से देखिए हमें सबसे पहले फेब्रिक का चौड़ा देखना है, तो हमें जितने इंच तक चौड़ा चाहिए उतना इंच तक मिलेगा कि या नहीं, तो हम उतने इंच से मिलेगा। देखिए तो अभी देखिए पिलो का लंबाई लेना है, आप हमेशा अपने पिल्लू को मेजरमेंट ले लीजिए उसके बाद ही पिल्लू का लंबाई लेना है। और यहाँ से देखिए मैं यहाँ पर दोनों पार्ट को अलग अलग कर कर काट करूँगा क्योंकि ये एक साइड की तरफ से ओपन रहेगा। और यहाँ से देखिए मैं 21.5 रखूँगी, हमारा पिल्लू का लंबाई है टोटल 24 इंच है। और यहाँ पर देखिए इस साइड से जॉइंट साइड है और यहाँ से देखिए ओपन साइड है। तब हम जॉइंट साइड को यहाँ से काट कर लूँगी क्योंकि हमें दोनों पार्ट को जो अलग अलग काट करना है, तो हम जितना इंच तक यहाँ पर मेजरमेंट लिया है उतना इंच से हम काट करूँगी। फिर हम काट करना है यहाँ से देखिए दूसरा पार्ट, इसमें देखिए ऊपर नहीं रहेगा, ये पूरा ही लेन रहेगा। तो यहाँ से मैं जितना इंच तक पिल्लू का लंबाई दिया है उतना इंच मैं यहाँ से लूँगी 24 इंच, और यहाँ से भी 24 इंच निशाना लगा लूँगी। तब यहाँ से और एक पार्ट काट करना है, जिस साइड में हमें पिल्लू के लिए जो ओपन रखना है उसी साइड की तरफ से उसमें 2 पार्ट रहेगा देखिए। और यहाँ से उसमें हम 21.5 इंच तक लिया है इसमें, तो हम अभी यहाँ से देखिए हम यहाँ से 5.5 इंच तक रखूँगी क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा फैब्रिक रहने से कोई दिक्कत नहीं है और ज़्यादा फैब्रिक वो अंदर की तरफ से ही रहेगा। तब हम इसको भी काट कर लूँगी। यहाँ पर देखिए कटिंग कर लिया, तो अभी हम पिल्लू का चौरा लूँगी। तो दोनों पार्ट को हम एक ही साथ में पिसा लूँगी जैसे कि पिल्लू का चौरा तो एक जैसा ही है, सिर्फ लंबाई में यहाँ पर जिस साइड में हम ओपन रखा है उसी में थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो अभी देखिए इस पार्ट को भी हम इस तरह से रखूँगी, तो अभी हम पिल्लू का चौरा लूँगी। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ से पहले जितने इंच तक हमें एक्स्ट्रा चाहिए हम इसको पहले छोड़ दूंगी, सिलाई में 1/2 इंच और उसमें 1.5 इंच, तो टोटल यहाँ पर मैं 2 इंच छोड़ दिया। और यहाँ से देखिए जितने इंच तक चौड़ा चाहिए उतने इंच से रखूँगी और यहाँ से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक के साथ और हम सिलाई में एक्स्ट्रा 1/2 इंच लेकर काट कर लूँगी। तभी देखिए हम यहाँ पर एक्स्ट्रा 1/2 इंच के निशाना नहीं लगाया, उसी के हिसाब से हम 1/2 इंच लेकर एक्स्ट्रा काट कर लूँगी। ये देखिए और ये देखिए एक पार्ट अंदर की तरफ रहेगा और एक पार्ट ऊपर की तरफ रहेगा, जो छोटा पार्ट वो ऊपर की तरफ रहेगा। तभी हम इसको सिलाई कर लूँगी, इसका कटिंग पूरा पूरी कम्प्लीट है, तो हम चारों तरफ से घुमा कर सिल लूँगी। तो यहाँ पर देखिए पहले हम जो हमें एक साइड की तरफ से ओपन रखना है उसी को हम किनारे से इस तरह से फुल करके सिल लूँगी। दोनों साइड की तरफ से सिल लिया है, तो अभी हम दोनों पार्ट को सीधा साइड की तरफ से मिलाकर यहाँ पर सिलाई कर लूँगी। देखिए पहले किनारे से 1/2 इंच लेकर सिल लूँगी यहाँ से देखिए।
तो अभी देखिए जो सूता वाला पार्ट को हम इस तरह से रखूँगी, देखिए ये देखिए इस तरह से इसको उल्टा साइड की तरफ से रखने से ये अंदर की तरफ चला गया, और इसको सीधा साइड की तरफ से करने से ये सीधा साइड की तरफ से आ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से मिलाकर सिल लूँगी। सिल लिया है तो अभी इसको सीधा साइड की तरफ से पलट लूँगी। तो फिर देखिए यहाँ से हम जितना तक हमें सिलाई करना है उतना तक हम यहाँ से मेजरमेंट लूँगी, और यहाँ से मैं 1.5 इंच का मेजरमेंट रखूँगी। हर जगह से हमें 1.5 इंच का मेजरमेंट मिला लूँगी। तभी पहले यहाँ से एक सिलाई कर लूँगी, उसके बाद हम उसी सिलाई के ऊपर से हम पीकू कर लूँगी। अगर आपके पास पीकू नहीं होने से कोई बात नहीं है, आप इसी सिलाई को रख सकती है। तभी देखिए इसी के ऊपर से हम पीकू कर लूँगी। फिर देखिए हम साइड से भी इसको पीको कर लूँगी। यहाँ से देखिए पीको करने में देखने में सुंदर लगता है, इसलिए मैं यहाँ पर पीको की। अगर आपके पास पीको मशीन नहीं होने से आप क्या करना है, यहाँ से किनारे से ऐसे ही नॉर्मल सिलाई कर लीजिए। ये देखिए साइड से हम पीको कर लिया। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। आप लोग भी ठीक इसी तरीके से अपने लिए पिल्लू कवर खुद घर में बना सकती है। मार्केट में जाकर खरीदने की जरूरत नहीं है, हम मार्केट से भी बहुत अच्छे से घर में सिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचने के लिए। थैंक यू।